नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं अभी मौजूद हूं सासाराम जंक्शन पे और लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से छठ आस्था महापर्व माना जाता है उसी को लेकर कल रात्रि में लगभग 10 बजे पूरे सासाराम जंक्शन को निरीक्षण किया गया। और आज देख सकते हैं कि GM यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सासाराम जंक्शन को विजिट किया जा रहा है। वो हमें दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि तमाम जो टीम है यहाँ पर रेलवे विभाग के यहाँ पर टीम पहुँची हुई है। यहाँ पर RPF के टीम है और यहाँ पर GRPF की टीम है और देख सकते हैं कि तमाम रेलवे विभाग के जितने भी बड़े से छोटे लेवल के जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर विजिट किया जा रहा है सासाराम जंक्शन को लेकर। और सासाराम जंक्शन को बेहतर बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए लगातार जो अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और मैं जब बात किया यहाँ के जो इलेक्ट्रिक श्रेणी के बारे में तो साफ तौर पर जो GM का कहना है कि यहाँ पर जल्द ही इलेक्ट्रिक श्रेणी का निर्माण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है पहुँची हुई है और मैं बता दूँ कि आज छठ आस्था का दूसरा दिन है और साफ सुथरे को लेकर यहाँ पर सफाई को लेकर यहाँ पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं और तंबाकू और बीड़ी को लेकर भी जो GM है अपील कर रहे हैं और साफ तौर पे ये दिशा और निर्देश भी दे रहे हैं कि कोई ज्वलंत चीज़ें यूज ना करें। जो स्टेशन परिसर है, जो सासाराम जंक्शन परिसर है, वहाँ पर इस चीज़ों को यूज ना करें। आइए हम बात करते हैं कि इस बारे में GM का क्या कहना है। सारे स्टेशनों पर हमने आदेश दिए गए हैं कि बाहर भी पानी पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था की जाएगी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि पैसेंजर रेलवे जनरली पैसेंजर को टेक केयर करता है प्लेटफॉर्म पे, ऐसे बाहर तो कहाँ तक लेके जाएंगे। पर जब स्पेशल डे होता है उन दिनों पे हम अपील करते हैं, आप जैसे पत्रकार लोग हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो भी हेल्प करती हैं। भंडारा होता है ना अपने यहाँ, बाहर करते हैं। सर एक ब्रिज है, सर तकिया ब्रिज बोला जाता है, और वहाँ पे जो फुट ब्रिज है एक साइड में है सर, दूसरे साइड में नहीं है सर, काफ़ी डिफिकल्ट एरिया है और लोग पांच लाइन के ट्रैक जो क्रैक क्रॉस करने के दरमियान सर ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। नया बन रहा है अभी, मैं अभी देखा, ये रहा देखो, ये देखो स्टडी हो रही थी, नया बन रहा है ये जो है ना, यहाँ तक पाँच लाइन है, इसको ऐसे करके ये बनेगा, काम शुरू हो चुका है, इसके साथ साथ ये काम चलेगा, टेंडर अवार्ड हो गया, अभी काम चल रहा है। लगभग सर 2 वर्षों से यहाँ पर इलेक्ट्रिक श्रेणी है जो सर लंबित पड़ा हुआ है सर, उसको अभी अभी मैंने फ़ोन पर बात किया है, उसके लिए भी आप 10 मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले ही बात किया है, नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है, 15-20 दिन में वो ऑर्गेनाइज करेगा, 1 महीने के आसपास वो आके शुरू कर देगा। सर आरा सासाराम के लिए दोहरीकरण सर कब तक हो सकता है सर? कोई भी काम कब पूरा होगा वो आप पे डिपेंड करता है, हम सब पे डिपेंड करता है, किसी एक पे डिपेंड नहीं करता। जब काम शुरू होता है आपको पता है क्या क्या काम प्रॉब्लम आती हैं, कभी काम शुरू होता है कोई आके ऑब्स्ट्रक्शन करता है, मेरे यहाँ से नहीं जाना, मेरी लैंड नहीं लेना, पहले लैंड एक्विजिशन होता है, तो सब चीज़ों में जब कितना टाइम लगता है, जब सब कुछ आ जाता है लैंड वगैरह, उसके बाद 3 साल लगते हैं कम से कम, मिनिमम फास्टेस्ट करें अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना डाले। काम चल रहा है, तेज़ी से किया जाएगा जितना जल्दी हो सकता है इन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, सभी को ध्यान में रख के करना पड़ता है ना, ये तो है नहीं कि कोई आया पकड़ के अंदर कर दो, काम पहले होना है। तो जो अपना गिवन एनवायरनमेंट है उसमें कभी भी हम इतना परफेक्ट टाइमिंग नहीं दे सकते, लेकिन हाँ लैंड आ गया पूरा मिल गया, उसके बाद अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो 3 साल में काम हो जाता है कोई भी प्रोजेक्ट। लास्ट सवाल रहेगा सर, प्लेटफॉर्म पे सर लाइट की जो व्यवस्था है काफ़ी कम है सर, और कम है क्या भाई लाइट? सर कल DRM सर थे सर, हम लोग कोने तक गए थे, लगा दिया है, लगाएंगे अगर कम है तो लगा दिया जाएगा, इतना कम नहीं सर, ठीक करा दी गई, DRM साहब बता रहे हैं बता। जब हमने यहाँ सासाराम के जंक्शन को लेकर तमाम मुद्दे पर सर से बात किया और सर से जानने का प्रयास किया कि सर यहाँ पर जो स्वचालित सीढ़ी है उसका काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कार्य को पूरा किया जाएगा। और सौंदर्यीकरण के बारे में जब मैंने सासाराम जंक्शन को लेकर बात किया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस काम को भी पूरा किया जाएगा। और मैं बता दूं कि सासाराम की जो लगातार सवाल खड़े होते हैं, तकिया ब्रिज बोला जाता है, वहाँ पर 5 लाइन को ट्रैक कर लोग क्रॉस करते हैं, उसके दरमियान लगातार 1 साल में वहाँ पर 10-15 घटनाएँ घटित हो जाती है, वहाँ पर लोग ट्रेन की चपेट में आने से लोगों को मौत हो जाता है और वहाँ पर केवल एक तरफ फुट ब्रिज बनाया गया, वहीं दूसरे तरफ फुट ब्रिज को लेकर मैंने जब सर से बात किया, लगातार इस मुद्दे पर मेरे द्वारा खबर चलाया जा रहा था और 2-3 बार मैं इस मुद्दे पर खबर चला चुका हूं और सर के द्वारा आश्वासन दिया गया और दिखाया गया कि जल्द ही फुट ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।